सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और भारी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताना पड़ता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनके सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य के अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। ऐसी ही और भी ज्ञान की बातों के लिए हमसे जुड़े रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीची चैनल पर। ऐसे ही और भी ज्ञान की बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे ओनली ऑन द स्पाइसी बीची चैनल पर। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।